Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss the potential energy inside an uniform electric field. Uniform electric field के अंदर potential energy हमने देखा था charges की वजह से. अब हमें देखना है potential energy of a dipole in an uniform electric field. किसी uniform electric field के अंदर हमें dipole का क्या देखना है, potential energy देखना है. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले कंसीडर करते हैं, कंसीडर एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई. दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड अ डाइपोल, डाइपोल हैविंग लेंथ 2a एंड डाइपोल मोमेंट पी. पी हम इधर ले लेते हैं, ऊपर की तरफ है. इज प्लेस्ड इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, विथ मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर से समझिए, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, उसमें एक डाइपोल जो है हमारा ए बी, ठीक है, ए बी जो है जिसका लेंथ जो है 2a है, इसको हमने जो है जिसका डायपोल मोमेंट पी है, ऊपर की तरफ डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल यहां थीटा है, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया. ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है इस सिचुएशन में, हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको ऑलरेडी बता दिया है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. वो टॉर्क, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू यहां पर होता है पीई साइन थीटा. ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डाइपोल रखा है तो उस पर टॉर्क का वैल्यू क्या होगा. ठीक है, अब जब इस पर टॉर्क लगता है तो टॉर्क की टेंडेंसी होती है कि इस डाइपोल को क्या करेगा, इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहता है. अगर हम सपोज कर लें कि एक स्मॉल एंगल डी थीटा से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. सपोज कर लिया हमने, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, लेट्स सपोज दैट डाइपोल इज रोटेटेड बाय ए स्मॉल एंगल डी थीटा, देन वर्क डन इज गिवन बाय. सबसे पहले जब हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो वर्क डन भी हमको स्मॉल सा मिलेगा डी डब्ल्यू, और ये होता है, आपको पता है रोटेशनल मोशन में वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू होगा टाउ इंटू डी थीटा. ठीक है, टाउ इंटू डी थीटा. अब यहाँ से अगर टाउ का वैल्यू हम इक्वेशन वन से पुट करें तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा. ये हमारा हो गया. अब क्या है कि हमने सपोज कर लिया कि हमारा जो डाइपोल है उसको थीटा वन एंगल से थीटा टू एंगल तक अगर हम रोटेट कर रहे हैं, तो इस ऊपर वाले इक्वेशन को अगर हम क्या करें, इंटीग्रेट कर दें विद विद द लिमिट थीटा वन टू थीटा टू. सपोज कर लिया कि हमारा डाइपोल जो है वो थीटा वन एंगल से थीटा टू तक रोटेट किया गया, तो कितना वर्क डन होगा हम पता करना चाहते हैं. यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा वन टू थीटा टू, देन इंटीग्रेट द एबव एक्सप्रेशन विद लिमिट थीटा वन टू थीटा टू
वी हैव, क्या मिलेगा हमें थीटा वन से थीटा टू तक, डी डब्ल्यू का जो इंटीग्रल होगा वो डब्ल्यू हो जाएगा, टोटल वर्क डन मिल जाएगा। पी और ई कांस्टेंट की तरह बाहर चले आएंगे, पी ई, और यहाँ इंटीग्रेशन होगा थीटा वन टू थीटा टू साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे पी ई, साइन थीटा का इंटीग्रल जो होता है वो आपका होता है कॉस थीटा, साइन थीटा का जो इंटीग्रल होगा वो हमारा होगा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेते हैं थीटा वन, सॉरी इंटीग्रेट कर देंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर, माइनस कॉस थीटा होता है इंटीग्रल साइन थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट में। थीटा वन टू थीटा टू यहाँ पे लिखते हैं, लिमिट पुट करें यहाँ पर तो मिलेगा हमें पी ई माइनस कॉस थीटा टू माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा वन। अपर लिमिट रखेंगे पहले तो माइनस कॉस थीटा टू, माइनस होता है बीच में लोअर लिमिट, तो कॉस माइनस कॉस माइनस थीटा टू ये है तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके एक फार्मूले में माइनस होता है और एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है, प्लस हो जाएगा। इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, और यही वर्क डन ही हमारा क्या पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर मिलेगा हमें पी ई कॉस थीटा वन को पहले लिख देते हैं और कॉस थीटा टू को बाद में, यही हमारा फार्मूला होता है। यदि किसी डाइपोल को थीटा वन एंगल से थीटा टू डिग्री तक टर्न किया जाए, थीटा वन से थीटा टू तक टर्न किया था जाए तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है वो हमारा होता है पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। इसको पूरा नोट कर लेंगे अलॉन्ग विथ फिगर, ठीक है। अब जो है कुछ स्पेशल केसेस हमें देखने हैं इसमें जो फार्मूला आया हुआ है हमारा। सपोज कर लिया जाए ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस सपोज इनिशियली डाइपोल इज मेकिंग एन एंगल थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड, विद इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारा डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल पर इनिशियली है एंड वी टर्न इट टू एन एंगल थीटा, थीटा तक हम इसको टर्न कर रहे हैं तो हमारा फार्मूला बन जाएगा U इक्वल्स टू पी ई कॉस थीटा वन हो जाएगा हमारा 90 जहाँ से रोटेशन शुरू किया गया, माइनस कॉस थीटा टू की जगह पर रोटेट किया गया थीटा तक, तो ये हमारा हो जाएगा पी ई कॉस 90 का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको इसमें तो हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए दे दिया कि कोई डायपोल है जो 30 डिग्री पर है, कोई डायपोल है जो इनिशियली 30 डिग्री पे है, उसको रोटेट नहीं किया गया है अभी, वो इनिशियली 30 डिग्री पर ही है, तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हम इस फार्मूले से पता करेंगे, ठीक है ना। अब क्यों हम 90 से ही रोटेट करते हैं, आपको मालूम है यहाँ पर अगर हम कहा गया हाँ टॉर्क की वैल्यू अगर हम देखें टाउ इज इक्वल्स टू होता है पी ई साइन थीटा, साइन की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो तो ये टॉर्क क्या होता है मैक्सिमम होता है, यानी कि जब हमारा डाइपोल परपेंडिकुलर होता है उस समय उसमें टॉर्क जो होता है वो मैक्सिमम होता है, तो उस मैक्सिमम टॉर्क के अगेंस्ट अगर हम रोटेट करते हैं तो जो भी वर्क करते हैं उस मैक्सिमम टॉर्क के अगेंस्ट रोटेट करने में डायपोल को, वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में तो ये यूज करेंगे, और बोल देगा कि 30 डिग्री से रोटेट करके 60 डिग्री किया गया तो ये फार्मूला यूज करेंगे। सिर्फ डायपोल बोल दिया कि 30 डिग्री पर है कितना उसमें एनर्जी होगा तो हम यहाँ से पता कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें दूसरा स्पेशल केस हमको क्या देखना है, स्पेशल केसेस में ये था हमारा फर्स्ट
सेकेंड हमको देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। आपको मालूम होगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है, सबसे लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो वो स्टेबल होता है, यानी कि वो जो है अब उधर उधर मूव नहीं करना चाहेगा, यानी रोटेट नहीं करना चाहेगा, ठीक है ना। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा हमारे डायपोल के पास, ये हम यहाँ से देख लेते हैं इस फार्मूले से। यदि थीटा की वैल्यू जो है हमारी 0 डिग्री हो तो ये हो जाएगा माइनस पी। सेकेंड स्पेशल केस है हमारे पास व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, और इसी को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों कहते हैं बता रहे हैं हम आपको थोड़ी देर में। सबसे पहले अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, तो ये हमारा आएगा माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी माइनस पी ई आएगा। यही हमारा सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये हमारा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा डायपोल के बाद पास, तो वो बिल्कुल स्टेबल होगा, यानी कि वो रोटेट करना नहीं चाहेगा। अब देखिए कोई मार्कर ही है हमारा, जितनी ऊंचाई पर होगा उतना तेज इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। कारण ये होते हैं कि जितने जैसे जैसे हम हाइट पर बढ़ते जाते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाता है, ठीक है। उसी तरह से जब हमारा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, यानी ऊंचाई बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, और जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है तो वो उतना ही अनस्टेबल है। अभी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, सबसे लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी किसी डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यही होता है माइनस पी, इसलिए यह स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। जीरो पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, थर्ड हम देख लेते हैं। जीरो पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। थीटा का वैल्यू जब हम यहाँ पर 90 डिग्री रख देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा वहाँ पर, माइनस पी कॉस 90, और कॉस 90 का जीरो होता है वैल्यू, ये होता है हमारा। अब यह सोचोगे ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इससे भी कम ये है, इसलिए इसी को स्टेबल बोलेंगे। जब पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी उसी समय वो पार्टिकल स्टेबल होता है। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरता जा रहा है ग्राउंड पे जाके, उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है, माइनस में कभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए जो है अर्थ के सर्फेस पर ही हमारा स्टेबल होता है पार्टिकल। यहाँ पर सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी है, इसे यहाँ पर स्टेबल है। अब आता है कि अनस्टेबल कहाँ पर होगा, तो जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा उस समय हमारा जो है पार्टिकल अनस्टेबल होगा। तो फोर्थ पॉइंट हमारा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तब होगा जब थीटा की वैल्यू जो है यहां पर 180 डिग्री हो। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रख दें तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मिलेगा, ठीक है। अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यू की वैल्यू माइनस पी ई कॉस 180 यहाँ पर रखेंगे, माइनस पी ई कॉस 180 का वैल्यू माइनस 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पी ई, यही हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। और थीटा की वैल्यू जब 180 डिग्री होती है तो उसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, याद रखिएगा। थीटा की वैल्यू 0 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा की वैल्यू 90 पर 0 पोटेंशियल एनर्जी, और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पर हमारा जो होता है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो ये डायपोल का जो है पोटेंशियल एनर्जी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और कुछ स्पेशल केसेस से भी क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, तो इनको आप ध्यान से 2 से 3 बार कम से कम रिवाइज कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, ठीक है, और उसको गूगल क्लासरूम पर आप सेंड करेंगे। वीकली मैं जो है आपसे नोट्स लेता रहूँगा। इट्स ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।